मसीह यसु के अजीम जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद अपने खादमों को इस्तेमाल करता है। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं फेसबुक लाइव, जितने भी मेरी फैमिली, खुदावंद आप सबको बरकत दे मेरी तरफ से, मिसिस की तरफ से, इस तरह मेरी सारी फैमिली की तरफ से बहुत मेरी क्रिसमस। खुदावंद आपको बरकत दे और ये क्रिसमस आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बरकत का हो, तरक्की का हो, सरफराजी का हो। जितने भी आप बहन भाई देख रहे हैं, मैं आज आपको ये मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी आप बहन भाई, आप एक दूसरे से नाराज, आप जरूर आप सुलह करें और एक दूसरे से प्यार, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई तुझ पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो हमने क्या करना है, हमने अपनी जिंदगी को खुदावंद के कलाम के मुताबिक बसर करना, ताकि जहां पर भी आप जाएं आप मुबारक हो। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत मैरी क्रिसमस और खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि बहुत से ऐसे लोग थे जो आज की रात ये क्रिसमस ना देख सके। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मेरी दुआ है कि खुदा आपको उम्र की दराजी पीरी सलामती दे ताकि आप जिस काम के अंदर भी हाथ डालें ये क्रिसमस आपके लिए बरकत का हो, तरक्की का हो, सरफराजी का हो। तो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ऐसा हमसे प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा बख्श दे। खुदा उनकी यीशु मसीह जितने भी इस दुनिया के अंदर कौम है, यीशु मसीह सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि हर एक कौम के लिए है, निजात लेकर, बरकत लेकर। जो कि बागी अदन के अंदर गुनाह हुआ, नाफरमानी, तो जो खुदा का रूह जीदा हुआ, तो खुदा ने अपने नबियों को भेजा लेकिन जो काम वो नहीं कर पाए, लेकिन खुदा ने फिर अपने बेटे को भेजा ताकि वसूला कर सके मेरे लिए, आपके लिए, निजात को लेकर आए। तो जितने भी आप देख रहे हैं, खुदावंद आपको बरकत दे, जरूर आप शेयर करें ताकि खुदावंद का शुक्र है, ताकि जितने भी कलाम की बातें हो ताकि आप सब बरकत पाए, तरक्की पाए, सरफराजी पाए। तो खुदा का शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए भी कि खुदा हमसे प्यार करता है, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, खुदा चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तो अगर आप आज रात परेशान है तकलीफ के अंदर, तो आप मत परेशान हो कि यीशु ने कहा है कि अपना सारा बोझ मुझ पर डाल दे क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मेरे बहनों भाइयों, यीशु मसीह आपकी फिक्र करता है, आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है। तो मेरे अजीजो, जब यीशु मसीह आपसे प्यार करता है तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि यीशु ने आपके लिए कम 40 कोड़े खाए हैं। यीशु मसीह मेरे लिए, आपके लिए आसमान को छोड़कर आज रात जमीन पर आ गया, एक उसने कम 40 कोड़े खाए हैं। मेरे जीजो, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने अपना जो दिल है वो यीशु को देना है, और हमने अपना दिल जो यीशु को देना है तो हमने खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करना है। यीशु मसीह चरनी के अंदर नहीं बल्कि हमने अपने दिल के अंदर यीशु को वेलकम करना है और खुश आमदीद करना है। जिस तरह खुदा के कलाम के अंदर लिखा, उसने जहां से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो अगर आप हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि वो चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। क्योंकि अगर आप परेशान हैं, और जितने भी आप बहन भाई लाइव देख रहे, मैं आपको वेलकम करता हूं, खुश आमदीद करता हूं। हनी सोंतरा, खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह जितने भी आप देख रहे हैं जरूर शेयर करें, खुदावंद आपको बरकत दे उम्र की दराजी। तो मेरी दुआ है कि ये जो क्रिसमस है आप सब के लिए बरकत का, तरक्की का हो, सरफराजी का हो। तो मेरे अजीजों, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने अपने दिल के अंदर यीशु को वेलकम करना है। आप जो भी काम करते थे, जो भी आपने अपनी जिंदगी के अंदर बुरे काम किए हैं, 2021 का जो साल है अगर वो आपके लिए अच्छा नहीं था, हमने आज अपनी जिंदगी के ऊपर गौर करना है कि हम कहां पर अपनी जिंदगी को बसर कर रहे हैं। क्या मैं जो जिंदगी बसर कर रहा हूं कलाम के मुताबिक कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं काम कर रहा हूं कि यीशु मुझसे खुश है इन कामों से। आज हमें ये सोचने की जरूरत, क्योंकि मुझे और आपको नहीं पता कि खुदावंद यीशु मसीह हमें कब ला ले, कब ये जो हमारा जो खैमा का घर है
गिर जाए तो फिर आप खुदा को क्या जवाब देंगे? हमने इस बात पर गौर करनी है, और खुदा ने मेरे लिए आपके लिए अपने बेटे को दे दिया, तो क्या आप आज रात अपना दिल नहीं दे सकते? हमने क्या करना है? यीशु मसीह आपसे कुछ और नहीं मांग, सिर्फ आपका दिल चाहता है। हमने यीशु को अपना दिल देना है, अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करना है। फिर देखिएगा खुदा आपकी जिंदगी के अंदर किस तरह बहाली को लेकर आएगा, तरक्की को लेकर आएगा, सरफराजी को लेकर आएगा। तो मैं अगेन फिर आपको, जितने भी बहन भाई देख रहे, मेरी सारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। मेरी दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे, उम्र की दराजी दे। इस तरह साकिब जुवेद, खुदा आपको बरकत दे, मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। इस तरह जरूर आप शेयर करें, इस और भी जितने आप देख रहे हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर देख रहे हैं, खुदा आप सबको बरकत दे। तो मेरी दुआ है कि ये क्रिसमस आपके लिए बरकत को, आज रात हमने अपने दिल के अंदर, दिल की चरनी के अंदर हमने यीशु को वेलकम करना है। जब अपने दिल की चरनी के अंदर आप यीशु को वेलकम करेंगे तो फिर खुदा आपको बरकत देगा, क्योंकि जो यीशु मसीह 2000 साल पहले काम करता था वो आज भी काम करने की कुदरत और पावर रखता है। अगर कि मेरे बहनों भाइयों बिलीफ आपको तंग करता है, सोने नहीं देता, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अपना जो दिल है वो यीशु को दे दे। कलाम के अंदर लिखा है कि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर शिफा बख्शता है। मेरे बहनों भाइयों, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। यीशु मसीह ये नहीं चाहता कि आप मुश्किलात के अंदर अपनी जिंदगी को बसर करें। यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप रोजगार रहें, बल्कि यीशु मसीह ने आपको कामयाबी के लिए पैदा किया है, बरकत के लिए पैदा किया है, तरक्की के लिए पैदा किया है। मेरे बहनों भाइयों, मैं आज आपको ये कहना चाहता हूं कि हमने अपना दिल जो है वो यीशु को देना है। जितने भी आप लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, खुदा आपको बरकत दे। आमिर शहजाद, मैं आपको वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद करता हूँ, मैरी क्रिसमस मेरी तरफ से, आपकी सारी फैमिली को मैरी क्रिसमस, गॉड ब्लेस यू। ये क्रिसमस आपके लिए बरकत का, तरक्की का हो, सरफराजी को। तो जरूर आप इसको शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी कलाम की बातें हो, ताकि आप सब बरकत पाएं, तरक्की पाएं, सिर्फ राजी पाए। तो मैं आज आपको, साकिब भाई जरूर आप भी शेयर करें, और भी जितने बहन भाई आप देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, आप जरूर शेयर करें, ताकि आज के जो खुदा के कलाम की बातें वो मेरे लिए, आपके लिए बरकत की हो। तो जितने भी आप देख रहे हैं, खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। अगर के इब्लीस आपको ताकत, अगर के 2021 का साल आपके लिए अच्छा नहीं था, तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि अपना दिल जो है वो यीशु के साथ लगा ले, अपनी दिल की चरनी के अंदर यीशु को वेलकम करें, ताकि 2022 का साल शुरू होने को है, कुछ दिन बाकी हैं, तो 2022 का साल आपके लिए बरकत का होगा, तरक्की का होगा। जो काम आप 2021 के अंदर नहीं कर पाए, मेरा ईमान है कि अब 2022 के अंदर खुदा आपको खूब कामयाब करेगा, खुदा आपको बरकत पर बरकत देगा। कोई कलाम के अंदर लिखा है, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है, मैं तुझे चढ़ाऊंगा, तुझे सरफराज करूंगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना। हमने क्या करना है कि अपना जो दिल है वो यीशु के साथ लगाना है, फिर वो क्या होगा, वो घूरे से उठाकर आपको तख्ते शाही पर मेरे जीजो बिठाएगा। खुदा का शुक्र हम करेंगे कि खुदा ने आज रात आपको और मुझे जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा है। बहुत से ऐसे लोग थे जो आज का दिन नहीं देख पाए, मेरे अजीजो मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि खुदा ने पूरा दिन हमें संभाले रखा। बहुत से आप जानते कि 2020 के अंदर कोरोना वायरस था, इसी तरह बहुत से लोगों की जो डेथ हो चुकी कोरोना की वजह से, लेकिन ये कि खुदा की शुक्रगुजारी क्रिसमस ना देख सके, लेकिन खुदा का शुक्रिया अदा हम करते हैं कि खुदा ने हमें जिंदों की जमीन पर जिंदा रखा। जितने भी आप लाइव देख रहे हैं, आप जरूर कमेंट करें, ताकि आप मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। जरूर शेयर भी करें, ताकि जितने भी आप आज बहन भाई देखें, आप बरकत पाए, तरक्की पाए। और जरूर मैं आप सबको, जितने बहन भाई देख रहे, कल आप जरूर आप चर्चेज के अंदर खुदा की इबादत कीजिएगा,
के कलाम के अंदर लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज आप जो भी खुदा यीशु से मांगेंगे, क्योंकि यीशु मसीह आपके घरों के अंदर है, यीशु मसीह को हमने अपने घरों के अंदर वेलकम करना है, चरनी के अंदर नहीं बल्कि अपने घरों के अंदर हमने वेलकम करना है और खुशामदीद करना है यीशु को। तो मैं खुदा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जितने भी आप लाइव देख रहे हैं मैं आप सबके लिए दुआ करता हूँ। अगेन फिर मेरी तरफ से, मेरी मिसिज की तरफ से, इसी तरह मेरी सारी फैमिली की तरफ से, मेरी सारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत मैरी क्रिसमस। खुदा आपको बरकत दे। मेरी दुआ कि 2022 का साल जो है वो आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए बरकत का हो, तरक्की का हो, सरफराजी का हो, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह आसमान को छोड़कर जमीन पर आ गया। उसने मेरे लिए, आपके लिए 1 40 कोड़े खाए हैं ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। सो खुदावंद आप सबको बरकत। में आप सबके लिए दुआ को, जितने भी आप लाइव देख रहे हैं, मैं आप सबको दुआ में याद भी रखता हूँ और खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ। और जितने भी आप बहन भाई आप देख रहे, अगर के बलीस आपको तंग, अगर आप बीमार हैं तो जरूर आप, मेरा प्रेयर लाइन नंबर ऊपर है, आप जरूर लेकर आप दुआ करवा सकते हैं। 24 आवर नंबर मेरा ऑन है, आप दुआ करवा सकते। अगर बदरूगी होता है तो जरूर आप रब्ता कर सकते हैं कि खुदा आपको बहाल करे, आपको बरकत दे, क्योंकि यीशु ने आपको मुश्किलात के लिए मेरे जीजो पैदा नहीं किया, खुदा ने आपको कामयाबी के लिए पैदा किया है। कलाम के अंदर लिखा, तुम खुदा का मकदस हो और खुदा का रूह तुझमें बसा है। आपके बाद अगर बलीस आपको तंग करता है तो मैं आज आपको कहना चाहता हूं कि आपका जो जिस्म है वो यीशु का मकदस है और बलीस का कोई काम नहीं है, किसी बीमारी का कोई काम नहीं है। तो मैं आज आप सबके लिए दुआ भी करता हूं ताकि ये क्रिसमस आपके लिए, आपकी फैमिलीज के लिए, आपके बच्चों के लिए बरकत का हो, तरक्की का हो और सरफराजी का हो। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और मैं आपके लिए, आपकी सारी फैमिली के लिए दुआ करूंगा। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस पाक, खुदा यीशु के नाम में खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता अपनी सारी फेसबुक फैमिली के लिए, तेरी खास बरकत चाहता हूँ खुदा यीशु के नाम में। जितने भी बहन भाई फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, खुदा मैं यीशु के नाम में खुदा तेरी एक एक बेटी के लिए, एक एक बेटे के लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ खुदा, ताकि ये क्रिसमस तेरे बच्चों के लिए बरकत का, तरक्की का, सरफराजी का वसीला बने। मेरे पाप खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे पाप खुदा। अगर के जितने भी तेरे बहन भाई को, जितने तेरे बेटियां बेटे परेशान है मेरे पाप खुदा, आज रात खुदा मैं यीशु के नाम में तेरी सलीब के नीचे उनको लेकर आता, उनके घरों के अंदर खुदा आज मैं खुदा तुझे वेलकम करता हूं, खुश आमदीद करता मेरे पाप खुदा। तो आसमान को छोड़कर तू जमीन पर आ गया, तूने 1 40 कोड़े खाए ताकि हम हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे पाप खुदा जितने भी बहन भाई लाइव देख रहे, मेरे पाप खुदा तेरी फेवर हमेशा इनके साथ हो, और जब तेरे बेटियां बेटे रात को सोए तू ख्वाब में रोया में उनसे कलाम करना और फतह से बढ़कर गलबा देना। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते हैं मेरे पाप खुदा, जिनको ख्वाब में रोया में बदरुएं तंग करती हैं, सिका रब आ रब आ रब आ रब आ रब आ इंतकार बारह 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 बार, जिनको ख्वाब में रोया में बदरुए तंग करती हैं, यीशु के नाम में उनके बदनों के अंदर से डिस्कनेक्ट करता हूं यीशु के नाम में, डिस्कनेक्ट करता हूं यीशु के नाम में, ताकि खुदा तेरे बेटियां बेटे मुकम्मल तौर पर बहाल हो। खुदा तेरा शुक्रिया अदा करते मेरे पाप खुदा, तेरी फेवर यीशु के नाम में हमेशा इनके साथ रहे। तेरे बेटे साकिब जवेद के लिए तेरी बरकत चाहता हूं, इसी तरह हनी सौंतरे के लिए, आमिर शहजाद के लिए, और भी जितने तेरे बेटियां बेटे देख रहे मेरे पाप खुदा, मैं एक एक फैमिली के लिए तेरी हिकमत दनाई को मांगता हूं खुदा, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमीन आमीन। जी खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद की शुक्रगुजारी के जितने भी आप देख रहे, खुदावंद आपको बरकत दे, उम्र की दराजी दे। तो मेरी तरफ से अगेन आपको मैरी क्रिसमस, खुदावंद आप सबको बरकत दे। जरूर आप अपनी फैमिलीज को भी पास्टर सैमुएल गौरी की तरफ से और मिसेस सैमुएल गौरी की तरफ से जरूर आप मैरी क्रिसमस विश कीजिएगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फिर जरूर कल खुदा के फजल से लाइव होंगे, खुदा के फिर कलाम की बातें भी होगी
और आप सब बरकत बैंक भी कल हम लाइव रिक्वेस्टें भी लेंगे, ताकि आप जो भी आप लाइव रिक्वेस्टें सेंड करना चाहते हैं, दुआ करवाना चाहते हैं, तो लाइव आप सब के लिए कल खुदावन के फजल से हम दुआ करेंगे और कलाम की बातें भी करेंगे। खुदावन आप सबको बरकत दे। पाकिस्तान जिंदाबाद। आमीन।